हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी लोग? होप सो काफ़ी अच्छे होंगे और आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा एनिमल हस्बेंड्री पढ़कर। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक देख रखा है जहां पे हम लोगों ने देखा था एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, क्या इसके नीड्स है, क्या स्कोप है, क्या होते हैं इंडिजिनस कैटल, क्या होते हैं एक्जॉटिक कैटल, लॉट्स ऑफ टॉपिक हम लोगों ने देख रखा है। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है आपका ब्रीड ऑफ कॉ। हम लोग आज कॉ के ब्रीड के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इसके भी आपके 2 से 3 पार्ट आएंगे और क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है और मैं नहीं चाहता कि वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा चला जाए। ठीक है, इसलिए हम लोग आज सिर्फ मिल्च ब्रीड के बारे में समझेंगे। नो फ्रेंड्स, हम लोग एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के साथ स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, सबसे पहले आप याद कर लीजिए, अगर हम केटल की बात करें, मोस्टली हम लोग आज कॉ की बात करेंगे। ठीक है, 2 तरह के कॉ होते हैं, एक होते हैं इंडिजिनस कॉ और एक होते हैं एग्जॉटिक कॉ। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको जो PPT मिलेगा वहाँ पे ये कम्प्लीटली मेंशन रहेगा। ठीक है, तो कॉ की अगर मैं बात करूँ तो 2 तरह के कॉ होते हैं, इंडिजिनस कॉ और एग्जॉटिक कॉ। इंडिजिनस कॉ क्या होते हैं? ये ऐसे कैटल्स होते हैं जिनको मोस्टली हम लोग इंडिया में ही पालते हैं, इनका बर्थ प्लेस ही इंडिया होता है। ठीक है, और एग्जॉटिक कॉ क्या होते हैं? ऐसे कॉ होते हैं जिनको हम लोग बाहर से लाते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं, बाहर से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं फॉर द मिल्किंग पर्पज़। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एग्जॉटिक कॉ बोलते हैं। और आपको इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया था, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस होता है इंडिजिनस कॉ में और क्या डिफरेंस होता है एग्जॉटिक कॉ में। ठीक है, अगर मैं इसके क्रोमोसोम की बात करूँ तो इनका क्रोमोसोम होता है 2n = 58 और इनका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n = 60। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इनकी साइंटिफिक नेम की बात करें, कई बार क्या होता है कि इंडिजिनस कॉ का साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाता है, तो इनका साइंटिफिक नेम होता है आपका बोस इंडिकस। ठीक है, बोस इंडिकस इनका साइंटिफिक नेम होता है। अगर मैं एग्जॉटिक कॉ की बात करूं तो इनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो बोस टॉर्सस होता है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको PPT मिलेगा वहां पे कंप्लीट मेंशन रहेगा, तो अभी बात आप बातों को समझते चलिए। कॉ के हमने देखा कि भाई कॉ को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, इंडिजिनस कॉ, एग्जॉटिक कॉ। इंडिजिनस कॉ क्या होता है? ऐसे कैटल जिसको हम इंडिया के अंदर ही पालते हैं और इंडिया के अंदर ही इनका बर्थ प्लेस होता है। एग्जॉटिक कॉ क्या होता है? ऐसे एनिमल जो कि इंडिया के नहीं, बाहर के होते हैं और इनको मोस्टली हम लोग इम्पोर्ट करते हैं फॉर द मिल्किंग पर्पस। ठीक है, इनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 2n = 58 होता है, इनका क्रोमोसोम नंबर 2n = 60 होता है। आपका जो इंडिजिनस कॉ होते हैं इनका साइंटिफिक नेम होता है बोस इंडिकस और इनका नेम होता है बोस टॉर्सस। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हो, बोस इंडिकस, इंडिकस से मतलब ये इंडिजिनस है। ठीक है, एग्जॉटिक कॉ के बोस टॉर्सस। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया? नाउ इसको मैं इरेज करता हूँ और अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट भी करते चलना। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास उतना स्पेस है नहीं, इसलिए मैं शॉर्ट में यूज़ करता हूँ टर्म को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ कि ब्रीड ऑफ कॉ, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर कितने ब्रीड हैं कॉ के, ये कई बार पूछा गया है। तो इंडिया के अंदर कितने ब्रीड हैं कॉ के, तो याद रखिएगा 50 ब्रीड हैं इंडिया में आपके कॉ का। ठीक है, अब मज़े की बात कि ये जो ब्रीड हैं उनको रजिस्टर कौन करता है इंडिया के अंदर, तो याद रखिएगा इनको जो रजिस्टर करने वाली एजेंसी है वो है NBAGAR, दैट इज़ कॉल्ड नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस। ठीक है, जो भाई ये 50 ब्रीड है ना आपके कॉ के, तो इनको रजिस्टर कौन करता है? इनको रजिस्टर करता है NBAGAR, दैट इज़ कॉल्ड नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ये कहाँ पे है? ये करनाल हरियाणा के अंदर है। ठीक है, इनका लोकेशन आप याद रखिएगा, ये कहाँ है? करनाल हरियाणा के अंदर है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि NBAGAR के थ्रू है ना कॉ के, तो भाई 50 ब्रीड इन्होंने रजिस्टर कर रखा है, लेकिन ओवरऑल जितने भी आपके एनिमल्स हैं उनमें कितने सारे ब्रीड को ये रजिस्टर कर रखा है? तो आप याद रखिएगा ये 197 ब्रीड को क्या किया है? रजिस्टर किया है। ठीक है, याद रखेंगे इतना। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को समझते हैं। यहाँ तक आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, अब बात करते हैं आप बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके गाय के मांस को खाते हैं। तो फ्रेंड्स, काऊ मीट को क्या बोलते हैं? ये पूछा गया है, काऊ मीट को हम लोग बोलते हैं बीफ, गोश्त जिसको बोलते हो। ठीक है, बीफ।
और अगर हम गाय के बच्चे का मीट अगर बात करें तो इनके गाय के बच्चे के जो मीट होते हैं ना उनको हम लोग व्हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हील बोलते हैं। तो याद रखेंगे गाय के बच्चे को हम लोग के मीट को क्या बोलेंगे? व्हील बोलते हैं। अब बच्चे देने की प्रक्रिया, गाय में क्या होता है, बच्चे देने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? काल्विंग बोलते हैं। काल्विंग बोलते हैं, ठीक है। बच्चे देने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? काल्विंग बोलते हैं। अब एडल्ट मेल, आप देखे होंगे गाय के अंदर क्या होता है, जो एडल्ट मेल होते हैं जिसको हम बछड़ा बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बुल्लॉक बोलते हैं। आपको सारा लिखा हुआ मिल जाएगा, सो आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सारे टर्म मिल जाएंगे। मैं बस समझा दे रहा हूँ आपको, रिकॉल करवा दे रहा हूँ, ठीक है। ये सारे टर्म समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नौ, देखिए अब इनमें जो कॉन्जुगेशन होता है ना, समागम करने की जो प्रोसेस होती है, जो कॉन्जुगेशन करने की जो प्रोसेस होती है, ये भी पूछा गया है। समागम हिंदी बोलते हैं इसको। तो कॉन्जुगेशन करने की जो प्रोसेस होती है ना उसको क्या बोलते हैं? सर्विंग बोलते हैं, ठीक है। सर्विंग बोलते हैं। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जितने भी एनिमल्स होते हैं आपके, जो जितने भी एनिमल्स हैं उनमें जो कॉन्जुगेशन करने की प्रोसेस होती है, समागम करने की प्रोसेस होती है, उसको सर्विंग बोलते हैं। बट एक्सेप्ट सीप, सीप के अंदर जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है ना उसको हम लोग सर्विंग ना बोल के टपिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? टपिंग बोलते हैं। आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो बस समझते चलिए कि कॉ के अंदर या जितने भी एनिमल्स हैं उनमें यदि कॉन्जुगेशन हो रहा है, समागम हो रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? सर्विंग बोलते हैं। बट अगर ये काउ के सिप के अंदर हो रहा है तो सिप के अंदर इसको क्या बोलेंगे? सर्विंग ना बोल के टपिंग बोलेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सपोज मान के चलिए एक जगह पे बहुत सारे काउ खड़े हैं, ठीक है। मतलब कि एक जगह काउ का पॉपुलेशन है, तो उस काउ के पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? हर्ड बोलेंगे। वेरी गुड। काउ के पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? हर्ड बोलते हैं। अब देखिए इनके गेस्टेशन पीरियड, अगर मैं बात करें कि भाई जो आपके काउ होते हैं उनमें गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है, तो गेस्टेशन पीरियड जो है काउ के अंदर याद रखिएगा 285 डेज का होता है, ये पूछा गया है, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड कितना दिन का होता है काउ के अंदर? 285 डेज का होता है, ठीक है। और अगर हीट पीरियड की बात करें, हीट पीरियड की बात करें जो आपकी काउ होती है उनमें हीट पीरियड कितना होता है, तो 12 to 24 hours तक होता है, ठीक है, इनमें हीट पीरियड। और अगर बात करें इनमें ऑस्ट्रस साइकिल होता है, आपको पता है ह्यूमन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और काउ के अंदर क्या होता है? ऑस्ट्रस साइकिल होता है। ये 21 डेज का होता है, ठीक है। एनिमल्स के अंदर क्या होता है? ऑस्ट्रस साइकिल होता है जो कि 21 डेज का होता है, ठीक है, आप याद रखेंगे। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आपको समझते चलना है। यहाँ तक आई होप सो आपको सारे टर्म क्लियर हो रहे होंगे। आपको इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है, उसमें कम्प्लीटली मेंशन होगा। नौ, अगर मैं बात करें कि भाई अगर जो आपकी काउ हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो काउ होते हैं उनके बच्चे को हम लोग अलग रख के पालते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वीनिंग, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग? वीनिंग बोलेंगे। तो वीनिंग इज नथिंग, हम लोग जब गाय के बच्चे को अलग रख के पालते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं? वीनिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप सो आपको यहाँ तक सारे टर्मिनोलॉजी जो है वो क्लियर हो गए होंगे। नो आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं ब्रीड्स ऑफ एनिमल। तो सबसे पहले तो मुझे आप बताएंगे कि ब्रीड और स्पीसीज में क्या डिफरेंस होता है? सोचिए जरा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपको टर्म है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीड एंड स्पीसीज। देखिए ब्रीड क्या होता है, अगर मैं बात करूँ कि एक जगह, सपोज मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, देखिए सपोज यहाँ पे दो समूह है, दो अलग अलग जगह है, ठीक है। आपने यहाँ पे विजिट करा और यहाँ पे आपने देखा कि भाई यहाँ पे एक ही अपीयरेंस के, एक ही मॉर्फोलॉजी के बहुत सारे एनिमल खड़े हैं जिनका शेप साइज कलर सब क्या है? बिल्कुल समान है। तो ऐसे एनिमल को क्या बोलेंगे हम लोग? ऐसे समूह को क्या बोलेंगे? ब्रीड बोलेंगे। ब्रीड इज नथिंग अ ग्रुप ऑफ एनिमल हैविंग सिमिलर करेक्टर्स, उनका करैक्टर, उनका नेचर, उनका अपीयरेंस, उनका साइज, उनका फीचर बिल्कुल एक जैसा होगा, ठीक है। जैसे एक जगह पे बहुत सारे हॉर्स खड़े हैं तो एक जैसा ही दिखाई पड़ेंगे, सबका नेचर भी सेम होगा, तो वो क्या हो गया? ये हॉर्स ब्रीड हो गया, ठीक है। लेकिन स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। ये जैसे आप बात करें कि भाई आपके जो एनिमल है उनमें कई सारे स्पीसीज हैं, ठीक है, तो ये बोलता है अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच हैव सर्टेन कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि इसमें क्या होता है, कुछ ही इंपॉर्टेंट या कुछ ही आपके ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो कि आपस में मैच करते हैं, बाकी ये मैच नहीं करते। जैसे अगर बात करें कि डॉग के भी कई सारे ऐसे स्पीसीज हैं जो कि आपको अलग अलग दिखाई पड़ेंगे, एक्चुअली है तो डॉग ही लेकिन वो अलग अलग दिखाई पड़ेंगे,
तो ये क्या होता है, स्पीसीज। ब्रीड बिल्कुल सेम होते हैं, ब्रीड का आने का मतलब हुआ कि वो उनका जो मॉर्फोलॉजी है वो एक जैसा है। जैसे अगर आप देखेंगे तो कौ के कई सारे ब्रीड हैं, ठीक है। तो अगर जैसे कि आप देखेंगे जो सुरती हो गए, जो आपके आपके जो भी साहिवाल हो गया, तो साहिवाल का एक अलग ब्रीड है जो कि आपको एक जैसा दिखाई पड़ेगा, है ना। गिर का एक जैसा एक अलग ब्रीड है तो वो आपको एक जैसा दिखाई पड़ेगा। दैट मीन्स कि जो ब्रीड होते हैं वो आपको बिल्कुल एक जैसा दिखाई पड़ेंगे, और जो स्पीसीज होते हैं वो आपको एक जैसा दिखाई पड़ेंगे लेकिन वो कुछ जगह पे वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। होप सो समझ में आ गया होगा आपको ब्रीड और स्पीसीज में क्या डिफरेंस है। नो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्रीड। आपको मैंने बताया था इंडिजिनस ब्रीड और एग्जॉटिक ब्रीड। इंडिजिनस क्या होते हैं, ऐसे ब्रीड जो कि ओरिजिनेट होते हैं और वो डोमेस्टिकेट किए जाते हैं उसी जगह पे जहाँ पे वो जन्मे हैं, ठीक है, उसको हम लोग इंडिजिनस भी बोलते हैं। और एग्जॉटिक ब्रीड जो होते हैं वो उनका ओरिजिन कहीं और होता है, बट उसको हम लोग इम्पोर्ट करते हैं फॉर द डेयरिंग पर्पस, मिल्चिंग पर्पस, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एग्जॉटिक ब्रीड। नो आगे बढ़ते हैं, देखिए अब देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन कैटल ब्रीड। अब देखिए हम लोग इंडियन कैटल के जो ब्रीड होते हैं ना उनको तीन पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। मिल्च ब्रीड, जिसको हम लोग मिल्क ब्रीड बोलते हैं। दूसरा होता है डुअल पर्पस ब्रीड, जिनको हम मिल्किंग पर्पस के लिए और ड्रॉट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इन तीनों के बीच में डिफरेंस मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस लेक्चर में, सो आप लोग उसको विजिट कीजिए। मिल्च ब्रीड क्या होते हैं, ऐसे ब्रीड जिनका यूज़ हम लोग मिल्किंग पर्पस के लिए करते हैं। ड्रॉट ब्रीड ऐसे होते हैं जिनको हम लोग लेबर पर्पस के लिए, आप बोल सकते हो बोझा धोने के लिए हम लोग या फिर अपने जो वर्क होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। और डुअल पर्पस नाम से पता चल रहा है, जिनमें क्या होता है मिल्किंग की कैपेसिटी भी होती है और उसको हम लोग ड्रॉट पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, डुअल पर्पस ब्रीड। तो फ्रेंड्स हम लोग एक एक के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे आज मिल्च ब्रीड के बारे में, कुछ हम लोग मिल्च ब्रीड जो है आपके काउ के उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। नो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। देखिए मिल्च ब्रीड क्या होता है, मोस्टली ऐसे ब्रीड्स जिनका यूज़ हम लोग मिल्किंग पर्पस के लिए करते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं वो आपके वर्क नहीं कर सकते, मतलब ऐसे एनिमल जिनको हम लोग मोस्टली मिल्क पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिल्च ब्रीड बोलेंगे। और ये एनिमल जरा सोचो ना, आप लोग इसको क्या यूज़ कर रहे हो, मिल्किंग, आप उसको मिल्किंग के लिए यूज़ कर रहे हो, तो ये आपके वर्क में तो काम नहीं आएंगे ना। आप सोचोगे इससे हम बोझा धोवाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप उसको मिल्क पर्पस के लिए ही स्पेशल यूज़ कर रहे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे मिल्च ब्रीड या मिल्क ब्रीड, ठीक है। एग्जांपल क्या हो गया, साहिवाल, रेड सिंधी, गिर, डेओनी, ठीक है। और ये जो होते हैं ना वो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं 1600 केजी पर लैक्टेशन, ठीक है। ऑन एन अगर हमें एवरेज की बात करें, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो ऐसे ये जो सारे ब्रीड हैं वो 1600 केजी पर लैक्टेशन मिल्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नो आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आपका जो फर्स्ट ब्रीड है वो है गिर, ये इस तरह से दिखाई पड़ता है आपको, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि ये जो ब्रीड है वो इंडिजिनस है या एग्जॉटिक है। यदि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख रखे होंगे तो आप इजली कैटेगराइज कर सकेंगे कि ये इंडियन ब्रीड है या एग्जॉटिक ब्रीड है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये कुबड़ होता है ना, तो इसमें है तो जो आपके एग्जॉटिक कॉ होते हैं उसमें नहीं होता है, ये दिखाई पड़ रहा है आपको, ये इंडिजिनस कॉ में होता है, एग्जॉटिक ब्रीड में नहीं होता है, ठीक है। तो और भी ऐसा आपको डिफरेंस मैंने बताया था, तो ये जो फर्स्ट ब्रीड है वो आपका गिर है, इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए जो आपका गिर है तो इसको हम लोग और किस किस नेम से जानते हैं, इसको हम लोग वदावरी बोलते हैं, देशन बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, काठियावारी बोलते हैं, सोरती बोलते हैं और सुरती बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इनका जो ओरिजिन प्लेस है, कई बार ये पूछा जाता है कि भाई दो आपके जो गिर ब्रीड हैं उनको और किस किस नेम से जानते हैं, तो इनको आप याद रखिएगा, वदावरी बोलते हैं, देशन बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, काठियावारी बोलते हैं, सोरती बोलते हैं और सुरती बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी ओरिजिन की बात करूं तो इनका जो ओरिजिन हुआ था ना वो गिर फॉरेस्ट में हुआ था, जो कि साउथ काठियावार गुजरात के अंदर है, ठीक है। और ये आपके यहाँ तो पाए जाएंगे, यहाँ का ये इनका ये ओरिजिन प्लस है, लेकिन इसके अलावा ये महाराष्ट्र और एडजेसेंट राजस्थान के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। अगर हम इनके बॉडी कलर की बात करें, इनके मॉर्फोलॉजी की बात करें, तो इनका जो बेसिक कलर होता है वो वाइट होता है और डार्क रेड कलर का होता है, और कई बार ये चॉकलेट ब्राउन कलर के भी आपको दिखाई पड़ेंगे, और कई बार इनके जो होते हैं ना शरीर उन पे आपको पैचेस दिखाई पड़ेंगे ब्लैक और प्योरली रेड कलर के, ठीक है। तो ये इनका मॉर्फोलॉजी होता है, इसको आप इजी देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो ब्रीड है वो आपके गिर है, ठीक है। अगर इनके जो हॉर्न होते हैं ना
वो पेकुलरली क्या होते हैं, कर्व होते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, कर्व है, जस्ट आपको दिखाई पड़ेगा हाफ मून अपीयरेंस, जब आपका जो चांद होता है ना वो आधा हो जाता है तो इस तरह से दिखाई पड़ता है। तो इनका भी जो आपका हॉर्न है ना, जस्ट ये हाफ मून शेप का दिखाई पड़ता है। इनके अगर हम मिल्क इल्ड की बात करें तो इनका जो मिल्क इल्ड है वो 1200 से लेके 1800 केजी पर लैक्टेशन होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये जो ब्रीड होते हैं वो डिजीज़ रेजिस्टेंस होते हैं और हार्डनेस होते हैं, मतलब ये जो ब्रीड होते हैं ना वो डिजीज़ से काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं, जल्दी इनको डिजीज़ नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये गिर के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जिसको आपको याद रखना है। नो आगे बढ़ते हैं और दूसरे ब्रीड को देखते हैं। दूसरा ब्रीड आपका है रेड सिंधी। ये सारे मिल्च ब्रीड है भाई, ठीक है, ऐसा कन्फ्यूज मत करना। ये सारे क्या है, मिल्च ब्रीड है जिसको हम लोग मोस्टली मिल्किंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दूसरा ब्रीड क्या है आपका, रेड सिंधी। देखिए इसके बारे में समझते हैं। बोलता है दिस ब्रीड इज अदरवाइज कॉल्ड रेड करेची एंड सिंधी एंड माही, ठीक है। तो जिन इनके जो अलग अलग नेम है ना वो भी आपको याद रखना है। तो रेड सिंधी को हम लोग और किस किस नेम से जानते हैं, रेड कराची, सिंधी एंड माही। इनका जो ओरिजिन है ना वो कहाँ हुआ था, कराची हैदराबाद के अंदर हुआ था। देखिए कराची जो कि पहले क्या था, जो कि पहले जब इंडिया पाकिस्तान एक में थे तो ये उस टाइम इनका ओरिजिन हुआ था, लेकिन अभी क्या है कि कराची आपका पाकिस्तान के अंदर चला गया, ठीक है, और हैदराबाद। तो इनका जो ओरिजिन प्लेस है कराची एंड हैदराबाद है। नौ अगर इनके हम कलर की बात करें तो ये रेड कलर के होते हैं और ये आपको डार्क रेड लाइट स्ट्रिप ऑफ वाइट, मतलब ये इनके जो कलर होते हैं वो आपको मोस्टली रेड कलर दिखाई पड़ेंगे, डार्क रेड दिखाई पड़ेंगे और इनके बॉडी पे वाइट कलर का आपको थोड़ा थोड़ा स्ट्रिप दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इनके जो मिल्क इल्ड होते हैं ना वो 1250 से लेके 1800 केजी पर लैक्टेशन हो सकता है, ठीक है। और बुलडॉग डिस्पाइट लेथार्जी, इनके जो बछड़े होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेथार्जिक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुस्त होते हैं, वो किसी काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उनको आप यूज़ में लोगे तो वो उतना उस लाइक नहीं होते कि वो आपके फील्ड वर्क कर सके, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लेथार्जिक होते हैं। तो ये थी बातें आपके रेड सिंधी के बारे में। एक्चुअली आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी तो सॉरी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है। नो आप इस पर फोकस कीजिए, चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड्स। आपका थर्ड ब्रीड है वो है साहिवाल, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब ने इसका नाम सुन रखा होगा। साहिवाल इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा दूध देने वाली कैटल में से एक है, ठीक है। तो साहिवाल है, इनके बारे में समझते हैं। देखिए इसका जो ओरिजिन हुआ था ना वो मोंटगोमेरी, ठीक है, मोंटगोमेरी रीजन में हुआ था जब हमारा इंडिया डिवाइड उस नहीं हुआ था, मतलब ये भी काफ़ी पुराना ब्रीड है। जब हमारा इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था तब का ये ओरिजिन, मतलब तब का ये ब्रीड है। तो इनका ओरिजिन कहाँ हुआ था, मोंटगोमेरी रीजन में हुआ था। और ये जो ब्रीड होते हैं इनको हम लोग लोला बोलते हैं। दिस ब्रीड अदरवाइज नोन एज लोला, ये पूछा गया था, AFO ने भी इस क्वेश्चन को पूछा था कि भाई जो आपका साहिवाल है उसका दूसरा नेम क्या है, तो उसका दूसरा नाम लोला है। लोला का मतलब होता है लूज स्किन, ठीक है। लैम्बी बार है आपका, मोंटगोमेरी है, मुल्तानी है और टेली है। तो ये सारे जो अदर नेम है ना कई बार पूछ लिया जाता है, जिसको आप एक नोट्स शॉर्ट नोट बनाएंगे और जितने भी अलग अलग नेम हैं उनको आप लिख के याद करेंगे, ठीक है। तो ये जो ब्रीड है उनको और किस किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, मेरे साथ बोलिए। साहिवाल को और किस किस नाम से जानेंगे आप, लोला जिसको मतलब होता है लूज स्किन, लैम्बी बार, मोंटगोमेरी, मुल्तानी और टेली, ठीक है। ये बेस्ट इंडिजिनस डेयरी ब्रीड होता है, इंडिया के अंदर सबसे अच्छा डेयरी के लिए कोई ब्रीड है तो वो आपका साहिवाल है। ये रेड इज डन एंड पेल रेड कलर का होता है, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है, सम टाइम फ्लेश एंड विथ वाइट पेजेस आपको इसके बॉडी पर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। हैवी ब्रीड विथ सिमेट्रिकल बॉडी हैविंग लूज स्किन, इनका जो स्किन होता है वो काफ़ी ढीला होता है और इनके बॉडी जो है वो इक्वली सिमेट्री में डिवाइड होते हैं। मोस्टली ये काफ़ी जो काफ़ी हैवी ब्रीड, मतलब इनका जो वजन होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, हैवी ब्रीड में से एक होते हैं। अगर मैं इनकी एवरेज मिल्क इल्ड की बात करूँ तो 1400 से 2500 केजी पर लैक्टेशन ये देते हैं। सोच सकते हो आप कि इंडिया के अंदर सबसे अच्छा जो मिल्क का जो ब्रीड है वो कौन सा है, आपका साहिवाल है। कितना इनका मिल्क रेंज है, तो 1400 से 2500 केजी पर लैक्टेशन, समझ आ रहा है फ्रेंड्स। तो ये आपका साहिवाल था। नो आगे बढ़ते हैं और फोर्थ ब्रीड के बारे में बात करते हैं जो है आपका देवनी।
जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रीड है, बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, आपका साहिवाल है। देखिए देवनी की बात करें तो अगर लिखा हुआ आपको पता नहीं चल रहा होगा तो सॉरी, जो पीपीटी डिज़ाइन किया है वो थोड़ा ये कर दिया, बट कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए देवनी की बात करें तो इनका बोलता है द होम ऑफ द ब्रीड इज़ मारथवाड़ा नो इन महाराष्ट्र स्टेट। इनका जो ओरिजिन है ना वो आपका मारथवाड़ा में हुआ था, जो कि अभी कहाँ रिसेंट में कहाँ है, ये आपके महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है। दिस ब्रीड इज़ कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेन ऑफ गिर। ऐसा माना जाता है कि भाई जो देवनी ब्रीड है वो किसका स्ट्रेन है, गिर का, जो कि आपको मैंने फर्स्ट में पढ़ाया था। तो गिर का स्ट्रेन है। ये भी पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड इज़ कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेन ऑफ गिर, तो वो ऑप्शन क्या जाएगा आंसर आपका, देवनी जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि जो आपका देवनी है ना वो किसका स्ट्रेन है, गिर का। द कलर ऑफ द एनिमल इज़ वाइट। इसका जो कलर होता है एनिमल का वाइट होता है एंड ब्लैक पैचेस आपको दिखाई पड़ेंगे। कई बार क्या होता है कि आपको देखिए आप जो यहाँ पे फिगर लगा इसको देखिए, इनका बॉडी कलर कैसा है, वाइट है, बट आपको यहाँ पे ब्लैक पैचेस भी दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये कौन सा हो सकता है, देवनी। देखो कई बार ऐसा होता है ना, लोग सोचते हैं कि यार मैंने पढ़ा था कि वाइट होता है बॉडी कलर और थोड़ा बहुत अगर ब्लैक पैचेस आ गया तो वो देवनी होगा। ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे आप इसको डिसाइड नहीं कर सकते कम्प्लीटली कि ये आपका ब्रीड देवनी है, गिर है, शाहीवाल है, ठीक है, क्योंकि कई बार ये आपको कन्फ्यूज़ करेंगे। तो और भी सिम्टम आपको देखने, और भी आपको फीचर्स देखने पड़ेंगे कि ये जो ब्रीड है वो आपका गिर है, शाहीवाल है या क्या है, ठीक है। नाउ द फोरहेड इज़ लेस प्रोमिनेंट। इनका जो फोरहेड होता है वो काफ़ी कम प्रोमिनेंट होता है और इनके जो ईयर होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और पेंडुलस होते हैं, ठीक है। द चेस्ट इज़ हैवी एंड डीप एंड डेवलप इज़ वेल डेवलप, ठीक है। इनको जो डेवलप होता है वो काफ़ी डेवलप होता है और इनका चेस्ट काफ़ी हैवी होता है, काफ़ी भारी होता है, अंदर की तरफ धसा होता है, अंदर की तरफ क्या होता है, धसा होता है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, काफ़ी भारी भी है और अंदर की तरफ धसा हुआ है, ठीक है। नाउ इन द मेल द सेथ इज़ पेंडुलस, जो आपके इनके जो मेल्स होते हैं ना उनमें जो सेथ होता है वो पेंडुलस की तरह दिखाई पड़ेगा आपको। नो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द हेड इज़ मीडियम साइज, इनका जो हेड होता है वो काफ़ी छोटा होता है, छोटा नहीं बोल सकते, मीडियम साइज का होता है, प्रोमिनेंट होता है और हॉर्न इनके जो होते हैं वो कवरिंग होते हैं आउटवर्ड की तरफ, इनका जो हॉर्न होता है ना, शिंग होता है, वो बाहर की तरफ क्या होता है, निकला हुआ होता है एंड बैकवर्ड्स, ठीक है, कई और बाहर जाके क्या होता है, अंदर की तरफ घुसा होता है, मतलब जैसे आप सोचेंगे ना जस्ट इस तरह का होता है, बाहर की तरफ जाके अंदर की तरफ मुड़ जाना, ठीक है। और वेज शेप्ड बैरल एंड वेल प्लेस्ड, ठीक है, इनका जो बैरल होता है वो वेल शेप्ड होता है, ठीक है। और अगर देवनी की बात करें, देवनी एनिमल आर फेयरली गुड मिल्क प्रोड्यूसर एंड द एवरेज मिल्क बींग, देखो याद रखिएगा ये भी ऐसा माना जाता है कि ये भी मिल्क अच्छा दे लेता है लेकिन साहिवाल गिर जैसा ये नहीं दे पाता। इनका ऑन एन एवरेज बात करें तो 700 केजी इन 300 दे, 300 दिन में क्या होता है ये 700 केजी दूध आपको दे सकता है। इन ब्रीड हर्ट्स एंड द एनिमल ईल्ड इज़ मोस्टली, अगर एवरेज की बात करें तो 1000 केजी पर लैक्टेशन ये क्या करता है, मिल्क दे सकता है आपको, ठीक है, मतलब इतना सुपीरियर नहीं है जितना कि आपका गिर साहिवाल है, ठीक है। द ब्लूक और लार्जर साइज, इनका जो बछड़ा होता है ना वो काफ़ी बड़ा साइज़ का होता है और गुड हैवी वर्कर होता है, लेथार्जिक नहीं होता बिल्कुल ये, ठीक है। इनका जो बछड़ा होता है उनको आप अच्छा मतलब डॉट पर्पज के लिए यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये लेथार्जिक नहीं होता, अच्छा ये इनकी जो एक्टिविटी होती है काफ़ी अच्छी होती है और ये हैवी वर्क के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो ब्लूक का साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे ब्रीड थे जो कि आपको पढ़ने हैं, आपको इनके फीचर्स याद रखने पड़ेंगे और मैं आपको बता दूं कि इनके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सो आप लोग काइंडली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और नोट्स को लीजिए, पढ़िए और वहाँ पे जो क्विजेज होते हैं उनको आप रेगुलर अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको आज के लेक्चर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और जितना भी आपको मैंने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझाया था स्टार्टिंग के अंदर वो मैंने काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, उसको मैं आपको नोट्स के अंदर डाल दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।